मिल गया है वो ये सभी। हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा सा मस्त है, थोड़ा सा अलग है। तो वीडियो पूरा आप लोगों को पूरा देखने से ही समझ आएगा। तो मैं आप लोगों को टॉपिक पर सीधा ले जाता हूँ। अभी आया हूँ मैं गाँव में, तो ये मेरा बाइक है, मैं उतरता हूँ ये देखो। और अभी हम चलते हैं, तो सामने हमें मिल जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मॉर्निंग में, यानी कि अभी मॉर्निंग फर्स्ट टाइम है, मैं अभी ही आया हूँ। तो देख सकते हो सागर भाई। तो राम राम, कैसे हो? जय श्री राम। चाय पी रहे हो? यस, चाय पियोगे? नहीं चाय पियो। तो ये सभी यानी कि स्कूल के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मैं अभी अपना बैग भी रखता हूँ। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वर्दी लेने वार्निंग थी। अच्छा, मगर मैंने वर्दी ले नहीं। अच्छा, यानी कि ठीक ठीक एडमिशन तो उस दिनों में हो गया था। उनके बाद तुम फिर गए नहीं? गए नहीं। क्यों? वर्दी नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी। अच्छा, तो आज मैंने आपको आपके लिए यूनिफॉर्म मैं लेकर आया हूँ। तो बाकी बच्चे देख सकते हो, यानी मॉर्निंग का टाइम है, तो ये सभी रेडी हो चुके हैं ये स्कूल जाने के लिए। ये भी नहीं रेडी हुआ, इसको मैंने ना काफ़ी मोटिवेट किया था। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसे काफ़ी मोटिवेट किया था कि अगर स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। ये सच भी है, भी सच। तो इस वजह से इसने यानी एडमिशन भी लिया था, लेकिन यूनिफॉर्म ना होने के कारण ना ये जा नहीं पाया। तो फिलहाल मैं इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ और इसको खुश करता हूँ कि हाँ यार सच में आप जा सकते हो। तो इसको ओपन करो, खुद ही ओपन करो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इन सब के यूनिफॉर्म अलग अलग है, समझो कि जो जैसा मिल गया वही है। निकालो फैजी गारमेंट्स और इसको भी ओपन करो। ये कॉपीज हैं एंड बस यही है। स्कूल पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ हेल्प कर दूं। अगर इससे कुछ बनता है तो, अगर एक भी बंदा पढ़ जाता है तो फिर भी अच्छा है। अगर बाकी तो आपके लिए जो यानी के मैंने लिया था 33 वेस्ट वाली, ये वाली है ये, और मेरे ख्याल में ये है। निकालो निकालो। कैसे खुश हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। चलो चल देते जाओ सबको, यानी कि एक जल्दी से दो, क्योंकि अभी कॉलेज इनका स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो फिलहाल हमें और भी ऐसे नीचे यानी ऐसे चारपाई पे सारा फैला दो ना, उसमें से निकाल निकाल के देते जाओ, जल्दी होगा ना। सामने देखो सिस्टर हमारी क्या कर रही है। तो अपने घर वाले के सेवा
कैसे हो? राम राम। देखो ये होती है सेवा। देखो गांव के लोग ना ऐसे अपने यानी के गांव की जो पत्नियां होती है वो अपने घर वालों की सेवा करती है। ये बात सच है, अभी देखा ना आप लोगों ने। तो ये इनका सिलाई सेंटर है और बाकी ये देखो, तो ये घर तो आप लोगों ने पहले काफी बार देखा ही है। तो ये वो बच्चा है। आप लोगों के सामने तो फ्रेंड्स देख सकते हो बच्चे रेडी हो रहे हैं। पर देखो तो देखो फ्रेंड्स कितना प्यारा बच्चा है और अब यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल ही प्यारा लग रहा है। सामने ही स्कूल है बच्चों का, तो अभी हम वहीं पे ड्रॉप करेंगे इन दोनों बच्चों को। तो पीछे बैठे हैं मेरे, मैं बाइक चला रहा हूँ। तो देखो ये दोनों बच्चे हैं, ये इनका स्कूल है। तो अभी ये दोनों जाएंगे, तो आप लोग जाओ मैं अभी बाहर, क्योंकि ये ना। तो फ्रेंड्स सच बताऊं तो अब मुझे यानी कि फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे आंखों के सामने वो बच्चे स्कूल गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो अभी इनको ड्रॉप करता हूँ, फिर एडमिशन हो गया दोनों बच्चों का? हो गया। अच्छा कौन सी क्लास में दोनों? अव्वल में, इसी यानी कि अव्वल वन में। तो फ्रेंड्स दोनों यानी कि कच्ची क्लास जिसे बोलते हैं उनमें दोनों का एडमिशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं इनका एडमिशन कराने और सागर को भी साथ ले लेंगे। सागर आगे यानी इसी गांव में रहता है, थोड़ा सा आगे है। तो वो दोनों एक ही स्कूल में जाने वाले हैं। तो ये एक यानी कि यूनिफॉर्म है हमने एक बच्चे को देनी है, वो आगे ही घर है तो उनके घर जाके दे देंगे। तो सागर आ चुका है, इन दोनों को हम स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स एक यूनिफॉर्म ये रहती है हमारी, ये वाले। तो ये इस बच्चे के लिए, ये भी स्कूल जाना चाहता है, तो हम इनके घर अभी चलते हैं। तो देखो ये चुप गया है। तो ये उनका घर है, तो अभी हम चलते हैं। और क्या हाल है? और सुना खैरियत? ठीक ठीक। आप तबीयत कैसे है? मालिक की दया, अभी ठीक है, बिल्कुल खैरियत। ये यूनिफॉर्म है वो उस छोटे के लिए। राम राम। राम राम बोलो। हाँ ठीक है। तो ये सभी आपके लिए, ये आपका यूनिफॉर्म, ये कॉपीज, ये इतनी सारी पेंसिल्स, ये सभी आपके लिए। आपने पढ़ना है डेली, पढ़ोगे? ये स्कूल जाता है ना? ये स्कूल जाता है यानी अभी यूनिफॉर्म ना होने के कारण ये अभी छुट्टियां कर रहा है। अभी इसकी छोटी सिस्टर गई हुई थी तो ये सुबह कह रहा था मैं जाऊंगा मुझे भी जल्दी तैयार करो। अच्छा
तो मैंने कहा ऐसे कपड़ों में चले जा, कहने नहीं यूनिफॉर्म, इसने यूनिफॉर्म के बगैर बोला मैं नहीं जाऊंगा। फिर इसने वो सलवार अपनी उतार के फेंक दी गुस्से में। तो इसने देखो गुस्से में अपनी ना वो सलवार भी उतार के फेंक दी, बोला मुझे यूनिफॉर्म ही चाहिए फिर मैं स्कूल जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ये मुझे नहीं पता था, ये अभी बताया। तो ये इनका यूनिफॉर्म, आई होप आप अब ये डेली जाएगा बच्चा। तो अब हम चलते हैं, इन दोनों का एडमिशन भी कराना है तो अभी हम वहीं पे चलते हैं। राम राम, ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू। अब इनको डेली स्कूल भेजना है। बाय बाय कर भाई, बाय 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 कर। तो फ्रेंड्स ये इनका घर है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स स्कूल का नाम तो नहीं बता सकते लेकिन ये बॉयज स्कूल है। तो अभी मैं इनका एडमिशन कराऊंगा, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया स्कूल है। तो फ्रेंड्स मैंने एडमिशन उनका करा दिया दोनों का, तो सक्सेसफुल एडमिशन हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और एक को फिफ्थ में बैठा है, एक को एट्थ में, प्रेम सागर एट्थ में बैठा है और दूसरा जो है फिफ्थ में। तो अभी यानी कि मैं स्कूल में हूँ ना, तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, तो बाकी बाहर चल के बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ खेतों में। तो इन लोगों ने बोला यार हम भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनको गिफ्ट दिया तो इन लोग बोले कि हमें हमसे जो हो सकता है वो देना चाहते हैं। तो मैंने कहा दिखा, वो बोला ग्वार, एक बोलती है ग्वारा, ग्वारा होता है सब्जी यानी कि वो पका के खाने वाले खाने की चीज़ है। तो मैंने सोचा मैं घर जा रहा हूँ क्यों ना लेकर। अब लोग सोच रहे हैं कि अपने बैग को एक हैंडल में क्यों पहना हुआ है, मतलब एक बाजू में दूसरे में क्यों नहीं पहन रहा। तो भैया मैं जो यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आया था ना वो सारा बैग में डाल दिया था, तो इस वजह से वजन काफ़ी होने की वजह से ना ये वाला टूट गया, मतलब कि ये देख सकते हो ये भी निकल आया है, तो ये टूट गया है यानी नीचे से टूट गया, तो इस वजह से। तो फिलहाल मैं हूँ खेतों में, ये है कॉटन की फसल, देख सकते हो कॉटन। तो फ्रेंड्स ये है ग्वारा, देख रहे हो आप लोग, इसे पकाकर खाते हैं यानी कि ये सब्जी होती है। तो बाकी ये आप बाकी देख सकते हो, ये सारी कपास फुट्टी कॉटन जो बोलना चाहो, जो हम लोग फुट्टी बोलते हैं अपनी भाषा में, आप लोग जो बोलते हैं ना वो कमेंट में बता देना, हम लोग तो इसको ग्वारा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नाला है ये समझो के पानी के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये फाइनली इन्होंने यानी कि ग्वारा तोड़ के दे दिया है मुझे इन दीदी ने। ये हमारी दीदी समान है, मतलब हमारी सगी दीदी जो नहीं है लेकिन हम सगी दीदी के समान इन्हें मानते हैं, और प्रेम सागर को हम भैया समान मानते हैं क्योंकि हमारी उनसे फ्रेंडशिप है ना समझो के हम एक दो बार मिले तो फिर उसके बाद मैं इसके गांव रह यानी आया घूमने के लिए, वीडियो के लिए मैंने परमिशन मांगी, वीडियो बनाया, तो उसके बाद काफ़ी रिलेशन बनता गया। तो अब हम यानी कि उन्हें अपने भाई समान मानते हैं, तो वो भी हमें भैया बोलते हैं। तो ये हमारी दीदी समान है तो हम इन्हें सिस्टर सिस्टर बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे हमें इस गांव में, और अभी हम चलते हैं, ये हमारा इसको हम रखते हैं बैग में। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी मुझे ना यूट्यूब की तरफ से एक रुपया भी नहीं मिला है, सीरियसली सच्ची बात है यार, सच्ची में मुझे एक रुपया भी नहीं मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी यूनिफॉर्म कहाँ से लिए, तो फिर ये हमारे एक अंकल यानी कि हमारे मामू है उससे हम थोड़ा सा उधार पैसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमने बोला हुआ ना कि हमारे चैनल से पैसे आने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर पैसे भी बने हुए हैं, अच्छे खासे चैनल पर पैसे बने हुए हैं, लेकिन वो ना मतलब कि पिन नहीं आ रहा ना, इस वजह से मिल नहीं रहे। अगर पिन आ गया होता तो सबसे पहले पैसों से मैं अपना जूता लेता, क्योंकि मेरे जूते ना दोनों साइड से टूट चुका है, फिर मैं उसे पहन रहा हूँ। काफ़ी आप लोगों को पता लग रहा हो कितना मुश्किल होता है, ये दिखाई देता हूँ कभी तो मैं छोड़ो नहीं दिखाता है, या दिखा दो, देखो यार मेरा जूता भी टूटा हुआ है फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यार लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरा जूता है, मैं चाहे टूटा हुआ पहनूँ चाहे जैसा पहनूँ तुम लोग क्या। और सेकंड में आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर तीन बार पिन नहीं आए तो यानी कि ऑनलाइन फॉर्म पूर करने से आ जाता है। ऑनलाइन फॉर्म पूर करने के लिए हमें ना नेशनल आइडेंटिटी जिसे शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड बोलते हैं वो होना चाहिए, लेकिन वो मेरा अभी बना नहीं हुआ था, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अप्लाई किया है, तो अब वो जैसे बन के आएगा फिर मेरे यानी कि यूट्यूब की इनकम आ जाएगी। तो जैसे आएगी मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय श्री राम। तो फ्रेंड्स आज मैं बेहद खुश हूँ, सच्ची बात है ये, आप लोगों ने देखा होगा मेरे स्माइल से, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फ्रेंड्स ये है उस शॉप का बिल
ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, आप अगर अपने लिए यूनिफॉर्म लेना चाहते हैं तो आ सकते हो। ये बाकी यूनिफॉर्म की प्राइस लिखी हुई है। ये बिल बनता था और भाई ने लेस करके ये बनाया, उसके बाद फिर दोबारा लेस करके ये बनाया, तो भाई का मैं दिल से थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद भाई। ओके, तो ये हमारी यूनिफॉर्म हो चुकी है और हमने पैसे भी दे दिए हैं, तो अब हम चलते हैं मिलिए मुझे, और अभी हम चलते हैं और उन लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो अभी हम वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे बच्चे होंगे। तो अभी तो आज संडे है, हम कल ही मिलेंगे मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स इन सब का बिल ये है, यानी कि देख सकते हो।